श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 16। मा मंस्ता ये तदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयच्युते य इदम मायया देव्या सृजत्यवतिहंत्यजः। शब्दार्थ मा मत मंस्ता सोचो ही निश्चय ही एतत् ये सब आश्चर्यम आश्चर्यजनक सर्व समस्त आश्चर्यमय परम आश्चर्ययुक्त अच्युते अच्युत में यह जो इदम यह सृष्टि मायया उनकी शक्ति द्वारा दिव्या दिव्य सृजति उत्पन्न करता है अवति पालन करता है अंति संहार करता है अजह अजन्मा। अनुवाद हे ब्राह्मणों इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। तात्पर्य जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान शत प्रतिशत पूर्ण है जबकि दूसरे अर्थात नारायण ब्रह्मा शिव देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा वे अद्वितीय है। भगवान की कार्यकलाप आश्चर्यजनक है फिर भी यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं कि उनका आश्चर्यजनक मत समझो मत सोचो। भगवान अद्भुत है मतलब भगवान जो करते हैं जो भक्त उनके होते हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं लेकिन वो उनको तो कल्पना ही है। यस भगवान कर सकते हैं। और श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि यदि हमें भगवान का भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहले ये याद रखना कि भगवान के जो भी कार्यकलाप है अचिंत्य है हमारी चिंतन शक्ति से ऊपर है। देखते हुए भी हम नहीं समझ सकते हैं हमको सामान जैसे ये चंपा है देखिए इसका पीला कलर कहाँ ऐसे एकदम परफेक्टली कलर सुगंध हम इसको हर रोज देखते हैं लेकिन हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। सामान्य लोग देखते हैं इसको बोलते हैं ठीक वो आश्चर्यचकित नहीं भक्त भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो विशाल ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान ने सर्जन किए है और इतना परफेक्ट पूर्ण रूप से सर्जन किया है कि हम उसको उसमें कोई खामी नहीं निकाल सकते इस भौतिक ब्रह्मांड में कोई खामी नहीं है। तो फिर इसके भगवान के लिए पुष्प बनाने के आश्चर्य तो हमें इस प्रकार से आश्चर्यचकित तो होना ही है लेकिन ये सोचना है कि भगवान के लिए आश्चर्य इसमें कुछ आश्चर्य नहीं भगवान के लिए है ना। इसे भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। क्यों प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कि वे हमेशा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग ये उपग्रह बनाने का प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग ये लोग कितना बनाते हैं फिर फेल जाता है लेकिन भगवान ने तो करोड़ों ग्रह एक ही ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह बना दिए और बोला तुम्हारे लिए या खिलौना तुम्हारे लिए और हम कुछ नहीं है भगवान इसीलिए हम लोगों को हाथ जोड़ के भगवान आप अचिंत्य है हमारा कुछ हम मतलब अगर देखने जाए ब्रह्मा जी को भगवान ने आश्चर्य मोहित कर दिया ब्रह्म विमोहन लीला में।
ब्रह्मा भी, ब्रह्मा ने सोचा है कर परीक्षा लो कृष्ण की, ये भगवान है क्या, देखो तो। तो जब भगवान अपना वो चुरा के लेके जाते हैं तो भगवान ने अपना विस्तार किया, तो ब्रह्मा जी जब आते देखते हैं तो कभी भगवान नारायण के रूप में है, कभी कृष्ण है, कभी सब गोप बालक में परिवर्तन, वो चक्कर खा जाते हैं, हाँ पूरे चारों मस्तक उनके घूमने लगे, ये है भगवान। ब्रह्मा जी को विमोहित कर देते, जो ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली पावरफुल है। इस कल में पढ़ रहा था, एक प्रश्न आया था कि जो सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक एक ब्रह्मलोक है जो ब्रह्म भगवान ब्रह्मलोक है, ब्रह्म का वो वैकुंठ है, वैकुंठ जैसा है ब्रह्मलोक, वो वैकुंठ है, लेकिन ये सत्यलोक को भी कभी ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो सत्यलोक में मृत्यु और कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। हाँ मैं भी सोचने लगा, प्रभुपाद कहते हैं और एक भागवतम में भी आता है पहले स्कंद में कि विश्व के सभी मतलब ब्रह्मांड में सभी जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, सभी जगह है। तो मुझे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, जय केशव प्रभु ने, कि प्रभु ये सत्यलोक यानी जहाँ ब्रह्मा रहते हैं वहाँ स्पष्ट लिखा है कि इस ब्रह्मलोक में सत्यलोक में मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने थोड़ा इसमें डीप स्टडी किया, इसमें लिखा है सत्यलोक के वो ग्रह में नहीं शोक, नहीं वृद्धावस्था या नहीं मृत्यु, उसमें कोई भी प्रकार की वेदना का अनुभव वहाँ नहीं होता, वहाँ चिंताओं नहीं होती है, एंग्जाइटी नहीं है सत्यलोक में, इसी ब्रह्मांड में, सिवा उनके वहाँ जागरूक चेतना के कारण उसमें ऐसे जीवात्माओं के लिए दया की लागणी उत्पन्न होती है जो भक्ति भरे भक्ति के मार्ग से बहुत अजान है और वो इस भौतिक जगत में बारंबार दुख से पीड़ित है। तो मुझे प्रश्न पूछा कि प्रभु सत्यलोक में, प्रभुपाद भी कहते हैं कि पूरे जगत में जाओ आपको सब दुख मिलेगा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। मैंने कहा कि भगवान कहते हैं पूरे विश्व में पुनरावर्त, आप पुनरावर्तन कीजिए, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो मामुपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, सिर्फ मेरे पास आने से ही पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वहां पेंजिस मतलब ये दुख नहीं है सत्यलोक में, ब्रह्मा जी जा रहे थे। तो मैंने थोड़ा देखा कि ऐसा कैसे है, क्योंकि प्रभुपाद कहते सब जगह होगा, सब जगह दुख भरा है, मृत्यु है। वास्तव में क्या है कि जब व्यक्ति तीन प्रकार से ब्रह्मलोक में जाता है, सत्यलोक में ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, एक तो अपने पुण्य कर्म से जाता है, दूसरा सिद्धि प्राप्त करके जाता है योग सिद्धि, और क्योंकि योग सिद्धि में व्यक्ति सिद्ध होता है तो कहीं पर कोई भी ग्रह पे अपना को ट्रांसफर कर सकते हैं, और तीसरा है भक्ति मार्ग से, भक्ति से जा सकते हैं। कोई भक्त की ऐसा इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊँ तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मलोक में रहते हैं वहाँ मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जाके शुद्ध जीवात्मा को भेजा जाता है। और जब ये दो परार्थ का समय बीतता है उस टाइम ब्रह्मा जी के साथ वो सब भगवत धाम जाते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक से भी पतन हो सकता है, ये भगवत गीता में है, आ ब्रह्म भुवना लोका श्लोक में लिखा है, कौन सा श्लोक है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 8वें अध्याय के 16वां श्लोक, उसमें आचार्य की टीका बहुत सुंदर है कि यहाँ लिखते हैं भगवान कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो दोनों ऐसा लगता है विरोधाभास है ना, कि यहाँ लिखा है भगवान के ब्रह्मलोक में भी मृत्यु जन्म मृत्यु है, जबकि भागवतम में लिखते हैं नहीं सत्यलोक में मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो श्रीधर स्वामी उसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, भागवतम में भी लिखा है कि तीन प्रकार के लोग उधर जाते हैं,
लेकिन यहां लिखा है कि हा कि जिस प्रकार पृथ्वी के लोग उच्च लोकों में जाते उसी तरह ब्रह्म लोग यानी सत्य लोग चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। वहां मृत्यु नहीं है लेकिन वहां से गिरते हैं। अभी कैसे गिरते हैं वो स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि छांदो आगे मैं पढ़ता हूँ। छांदो के उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, वो एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है भगवद गीता के भाष्य में अपने। जब यह भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत कर जरूरी है, कृष्ण भक्ति जरूरी है। कृष्ण भक्त को ये पुष्प बहुत बड़ा आश्चर्य लगेगा लेकिन जब वो सोचे कृष्ण का है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ना। जैसे वो इसकी कथा मोची और शुचि और मोची की कथा, ब्राह्मण बोलते हैं जब नारद जी ने बोला कि भगवान नारायण हाथी को एक सुई की नोक से पास कर रहे पसार कर रहे थे, वो तो नाचने लगा, मोची नाचने लगा, ओहो मेरे भगवान, उसको वो रोने लगा नाचने लगा, हाँ मेरे भगवान अचिंत्य है, कर कुछ भी कर सकते हैं। जब ब्राह्मण बोला क्या बात कर, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए ये है, इसीलिए यहाँ भक्तों के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं, पर वो नाचते हैं मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, वो जब पुष्प देखता कूदने लगता, ओ मेरे भगवान ने बनाया। कितना सुंदर डेकोरेशन आज प्रभु जी ने किया, देखते हैं हाँ ये भगवान के ही पुष्प, भगवान को अर्पण करते, हमारी थोड़ी कारीगरी रख देते हैं और भगवान खुश हो जाते हैं। ये अचिंत्य भगवान है, उनका ही दिया हुआ, उन्होंने ही दिया और हम उनको अर्पण कर रहे हैं और स्वीकार रहे, ये भी कितना बड़ा आश्चर्यजनक है, कितना बड़ा आश्चर्य है, हम भगवान को ही उनका दिया हुआ और इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वाह मेरे भक्त, ये देख मेरे भक्त ने कुछ किया मेरे लिए पुष्प अर्पण के, पत्रम पुष्पम फलम तुयम, ये तो आश्चर्य है कि हम भगवान को अपनी चीज उनकी ही चीज दे रहे हैं। हमें क्या बीच में लेना है, हमें यश लेना है, हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना है, सब देख, नहीं कुछ नहीं प्राप्त करना, बस सिर्फ जन्मनिश्वरे भवतात् भक्ति रहे हेतु की, तो मुझे अहेतु की भक्ति भगवान की मिली रहे यही मुझे चाहिए, मुझे कुछ ऐश्वर्य यश नहीं चाहिए, नामना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं भगवान की जन्म जन्म आयुतु की भक्ति करता रहूं यही मुझे चाहिए। इसीलिए कभी कभी ज़्यादातर अपने इस्कॉन मंदिर में पुजारी को रुपया दिया जाता है, पूजा करो रुपया लो, सेवा करो हार बनाओ रुपया लो, पोछा मारो रुपया लो, नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे दो चार रुपया, और इसके लिए हम इसके लिए भगवान इतने महान भगवान की सेवा करेंगे। मेरे आज कल भक्त से बात कर रहे थे, नंदग्राम में एक भक्त से, ये भाई 25 तारीख हुई 26 तारीख फिर अभी मुझे रुपया मिलेगा, ऐसी चेतना हमें नहीं रखनी, इसलिए हम लोग यहाँ पगार नहीं देते हैं। हमारा पगार कृष्ण देते हैं, किसी को पगार नहीं, सब आओ कृष्ण की सेवा करो और वो जो मिलेगा आश्चर्यजनक चीज़ मिलेगी। मैं गिफ्ट दूंगा 1000 रुपये का, 1 लाख रुपया का, क्या होगा, खत्म हो जाएगा 1 लाख रुपया, लेकिन भगवान जो आश्चर्यजनक गिफ्ट देंगे वो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ सब ब्रह्मलोक से ऊपर चले जाते हैं भगवान के धाम। तो हमारा पॉइंट ये था ना कि ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं, लेकिन दुख है, उधर दुख है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं एक दुख है कि अगर हम गिर गए तो फिनिश, पृथ्वी पे आना पड़ेगा, ये दुख है, इसीलिए भगवान दुख, हाँ सब जगह दुख है, तो कोई कॉन्ट्रावर्सी नहीं है, विरोधाभास नहीं है,
ब्रह्मलोक में दुख है, हाँ उधर मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है वृद्धावस्था नहीं होगी। इसी ब्रह्मा जी, एक बार ब्रह्मा जी का दाढ़ी वाला, ज्यादातर लोग ब्रह्मा जी को दाढ़ी वाला दिखाते हैं, वो बूढ़े दिखाते, नहीं ब्रह्मा जी कभी बूढ़े नहीं होते हैं ब्रह्मलोक में। और जो योग करके भी ब्रह्मलोक में जाते हैं ना, वो पहले गर्मी में तब तो उनके सब पाप कर्म निकल जाते हैं, तो वहाँ ब्रह्मलोक में पुण्यशाली जीवन में ही रहते हैं, बहुत पुण्य होता है वही, उसमें पाप का अंश नहीं, क्योंकि उनका वैश्वानर ग्रह में जाते ब्रह्मलोक में जाने से पहले, भागवतम में लिखा है, वहाँ उनका शुद्धिकरण होता है अग्नि से, फिर वो शुद्ध होके जाते हैं। इसीलिए जीवात्मा वहाँ पाप के बिना होते हैं, बहुत पुण्यशाली जीवात्मा रहते हैं। लेकिन हमको ये प्रश्न आया तो हमने उत्तर दिया उसका, लेकिन वहाँ से गिरने का चांस अगर हम कृष्ण भावनामृत का अनुपालन नहीं करेंगे तो। प्रभुपाद कहते हैं इस भगवद्गीता के तात्पर्य में 8:16 में कि जिस प्रकार पृथ्वी से लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, वहाँ से भी पृथ्वीलोक पे आते हैं, तो ये आते हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मलोक मतलब वैकुंठ ग्रह। और दूसरा सबसे बड़ा दुख क्या है वहाँ मालूम है? दो परार्ध के बाद वो भी नाश होगा, दो परार्ध यानी ब्रह्मा जी के जीवन के बाद। हाँ दो परार्ध यानी जीवन उनके दो परार्ध के, यहाँ लिखा है 8:16 जो उच्चतर प्रलय के समय में नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं, प्रलय के समय, हाँ 100 साल के बाद उनका नाश नहीं होता है 100 साल तक। तो परार्ध यानी ये तो ये हुआ अपना एक दिन ब्रह्मा जी का हुआ, तो मैंने कहा बड़ा परार्ध, दो परार्ध के बाद 24 घंटा, दो परार्ध यानी 24 घंटा, नहीं एक परार्ध ये देखना पड़ेगा मुझे परार्ध को। नहीं नहीं परार्ध एनीवे मैं अभी देख लेता हूं। तो ब्रह्मा जी नहीं, प्रलय चार है, चार प्रकार के प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, फिर मतलब चार प्रकार के प्रलय कैसे है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब एक प्रलय होता है, फिर मैं भूल गया वापस, एक प्रलय होता है हमारा मृत्यु होता है तब चौथा प्रलय, ये मृत्यु का भी प्रलय है, प्रतिदिन होता है प्रलय, आत्यंतिक नैमित्तिक और फिर विश्व का प्रलय होता है तब, मैं देख लूँगा वापस, मैं भूल गया हूँ अभी अपना इतना ये है। हाँ 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 एक दिन के बाद प्रलय होता है 12वें स्कंद में है, फिर पूरा विश्व का प्रलय होता है, हमारा मृत्यु होता है तब भी एक प्रलय है, वो आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक रोज मैंने लिखा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं नहीं परार्ध यानी देखता हूँ मैं, परार्ध यानी पूरा ब्रह्मा जी का,
अभी हम देख लेते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है, शत प्रतिशत पूर्ण है भगवान। और हमको एक ही हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के पास शरणागत हो, बस दैट्स ऑल। कोई भी न तो उनके तुल्य न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय है, आश्चर्यजनक। वो सबका पालन पोषण करते, तो हमें यही करना है, भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवतम की जय।